हेलो गाइस, पृथ्वी डिलीशियस रेसिपीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मार्केट जैसी सॉफ्ट स्पंजी इडली की रेसिपी। तो आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट इडली हमारी बनी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए कुछ खास टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए हम ये सॉफ्ट स्पंजी इडली की रेसिपी देखते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ ले ली उड़द दाल। तो यहाँ मैंने आधी कटोरी उड़द दाल ले ली है और उसी कटोरी से हमने यहाँ चार कटोरी चावल ले लिए। तो चावल आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, पुराने चावल होना चाहिए। और इन्हें दो से तीन पानी से अच्छे से धोकर हम इन्हें पानी डाल के 8 से 10 घंटे के लिए रख देंगे। तो गाइस ये देखिए हमारे जो दाल और चावल है वो अच्छे से फूल उठ चुके हैं। तो हम इसका पूरा पानी निकाल लेंगे। और गाइस ये देखिए हमारी दाल भी अच्छे से फूल चुकी है। तो हम दाल का पानी अलग कटोरी में निकाल लेंगे और दाल को हम एक मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे। थोड़े से चावल भी डाल देंगे और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। पानी हमें जो हमने दाल में से निकाला है उसी पानी का यूज़ करना है। और इसका एकदम फाइन पेस्ट हम बना लेंगे। तो गाइस ये देखिए हमने दाल का एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है। ये देखिए इस तरह का पेस्ट हमें इसका बनाना है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और इसी तरह हम चावल का भी पेस्ट बना लेंगे। एकदम फाइन पेस्ट बनाना है हमें चावल का भी। ये देखिए हमने दाल और चावल को अच्छे से पीस लिए हैं। अब हम इन्हें 5 से 7 मिनट के लिए इस तरह से फेटेंगे, एक ही डायरेक्शन में फेटना है। तो ये देखिए हमारा बैटर रेडी है। अब हम इसे ढककर 8 से 10 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। आपको इसे किसी गर्म जगह पर रखना है जिससे हमारा बैटर अच्छे से फर्मेंट हो जाए। तो गाइस ये देखिए हमारा जो बैटर है वो अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। आप देख सकते हैं एकदम जाली आ चुकी है बैटर में। ये देखिए तो हमें इसी तरह का बैटर चाहिए, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसकी इडली बनाएंगे। तो हमें जितने बैटर की ज़रूरत है उतना बैटर हम एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने बैटर निकाल लिया है, उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और इडली को और फ्लफी करने के लिए हम इसमें डाल देंगे खाने का सोडा। तो थोड़ा सा हम इसमें खाने का सोडा डाल देंगे, पानी डालेंगे क्योंकि हमारा जो बैटर है वो थोड़ा गाढ़ा है। तो हम इसे एडजस्ट करने के लिए पानी डाल के इसे थोड़ा पतला करेंगे। ये देखिए इस तरह का हमें बैटर चाहिए इडली का। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ हमने इडली प्लेट ले ली है, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसमें हम डाल देंगे बैटर को। थोड़ा थोड़ा बैटर हम इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा टैप कर देंगे। इसी तरह हम सभी प्लेट में इडली बैटर डाल देंगे। और यहाँ हमारा पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हम इसे इडली स्टैंड को इसमें रख देंगे और 5 मिनट गैस को हाई फ्लेम पे और 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसमें पकाएंगे। टोटल 10 मिनट हमें इन्हें पकाना है। तो गाइस ये देखिए हमारी जो इडली है वो अच्छे से पक चुकी है, हाथ में बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है, मतलब हमारी इडली अच्छे से पक चुकी है। तो ठंडी होने के बाद हमने इन्हें निकाल लिया है। गर्म गर्म नहीं निकालना है, ठंडी होने के बाद ही इन्हें निकालना है। और इसी तरह आप सभी इडली बनाकर तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए एकदम सॉफ्ट इडली बनी है, स्पंजी बनी है। आप देख सकते हैं अंदर से भी एकदम जालीदार बनी हुई है। तो वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साइड में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।